दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। दोस्तों, एक तरफ जहाँ सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को काफी इजी बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके कई ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं और कई मौकों पर तो लोग इनके चक्कर में इंसानियत तक को भूल जाते हैं। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने कभी ना कभी ऐसे किसी एक्सीडेंट के बारे में जरूर सुना होगा, जहां लोगों ने विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा हो। ऐसे इंसिडेंट्स आजकल अनकॉमन नहीं है और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है यूपी के कन्नौज से, जहां एक 13 साल की बच्ची जो कि काफी बुरी तरह इंजर्ड थी और उसके कपड़े भी बुरी तरह फटे हुए थे, उसे लोगों ने हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसका वीडियो बनाना जरूरी समझा। और सबसे डिसअपॉइंटिंग ये है कि आसपास से गुजरने वाले लोग सिर्फ उसकी फोटोज और वीडियो शूट कर रहे थे, पर किसी ने उसके हेल्प करने की कोशिश नहीं की। ह्यूमैनिटी के लिए इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। अब आपके दिमाग में इससे जुड़े कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि वो बच्ची थी कौन और उसके साथ हुआ क्या था। इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए चलिए आपको पूरे केस के बारे में बताते हैं। दरअसल कन्नौज के डाक बंगला गेस्ट हाउस के पीछे रोड पर एक बच्ची पूरी तरह से खून से सनी हुई सिचुएशन में मिली। बाद में जब अथॉरिटीज वहां पहुंची तो वो उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस ने पता चला कि संडे यानी कि 23 अक्टूबर को वो बच्ची अपने घर से दिवाली के लिए एक पिगी बैंक खरीदने के लिए मार्केट गई थी, पर देर शाम तक वो घर नहीं आई, जिसके बाद उसकी फैमिली वाले ने उसे काफी ढूंढा और ना मिलने पर कंप्लेंट भी रजिस्टर कर दी। बाद में फिर उसे डाक बंगला गेस्ट हाउस के पास एक रोड पर काफी बुरी कंडीशन में पाया गया। मार्केट के सीसीटीवी फोटोज चेक करने पर पुलिस को एक एक्यूज मिला भी है, जिसे सीसीटीवी फुटेज में उस बच्ची से बात करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इस घटना के पीछे वही इंसान जिम्मेदार था या नहीं। अगर बात करें बच्ची की कंडीशन की, तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब उसकी कंडीशन कुछ स्टेबल बताई जा रही है और डॉक्टर से एग्जामिन करने वाले हैं कि उस बच्ची को सेक्सुअली हैरास किया गया था या नहीं। पर बच्ची के पेरेंट्स का आरोप है कि जो इंसान उस वीडियो में है, उसने बच्ची को सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश की होगी और वो ऐसा नहीं कर पाया होगा, इसीलिए उसने बच्ची की ऐसे हालत कर दी होगी। हालांकि ये आरोप कितना सच है या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना